गरीबी में पैदा लिए हो मेरे भाई, गरीबी में मरने की कोशिश मत करो, अमीर बनने की कोशिश करोगे तो बताएंगे अभी ये क्या कारण है कि हम लोग अमीर की ओर जा ही नहीं पा रहे, बल्कि धीरे धीरे और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। जानते हो इसका क्या मुख्य कारण है, क्या गलतियां हैं जिसके कारण हम लोग भाई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। मेहनत तो कर रहे, मेहनत कम नहीं करते, मेहनत दिहाड़ी मजदूरी, अरे कोई भी काम 200-250 में बहुत ज्यादा करते हैं भाई, दिन भर करते हैं मजदूरी तब 250 रुपया मिलता है। पर हम लोग ना यार, हम लोगों के पास जो प्रॉब्लम है, हम लोगों के पास जो कारण है ये गरीबी में रहने का ना, ये हम लोग कभी दूर नहीं करते। जबकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये कारण क्या है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस चीज को। सबसे पहला कारण जो है ना भाई, वो है धैर्य। धैर्य, धैर्य समझते हैं, पेशेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोगों के पास किसी भी चीज में धैर्य नहीं होता है, किसी भी चीज को करते हैं ना उस चीज में धैर्य नहीं होता है, समझिए। अगर मान लीजिए मम्मी पापा हमको पढ़ा रहे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, या हम ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं सबसे पहले, अरे इतना दिन पढ़ाएंगे तो फिर नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब भरोसा, भरोसा नाम का भी एक चीज होता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाई क्या करें, एक काम करते हैं, बेटा का 10-12 साल हो गया, अब हम लोग एक काम करते हैं, बेटा तो चल काम करने चलते हैं। ये प्रॉब्लम, हम लोग उस चीज पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि अगर इस चीज को कंप्लीट कराऊं तो इससे मेरे को बेनिफिट होने वाला है या नहीं होने वाला, ये चीज हम लोग कभी नहीं करते, मतलब हम लोगों के पास धैर्य नहीं होता। नहीं, सबसे शॉर्टकट बात अगर बोलूं तो हम लोगों के पास धैर्य ही नहीं होता। कोई भी आप काम कर लीजिए, मतलब हमको ये चीज करना है तो फट से वो चीज चाहिए, आज हम मजदूरी करेंगे तो मेरे को अब भी चाहिए, अगर हम मजदूरी करेंगे आज पूरा दिन भर तो शाम को पैसा चाहिए। हम लोग लॉन्ग टर्म वाले चीजों में मतलब भरोसा नहीं कर सकते, भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए तो आज हम लोग जहां का तहां है। अब बड़े लोगों को देख लीजिए, बड़े लोगों को देख लीजिए, अपने बच्चों को एक अच्छा से अच्छा स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छा से अच्छा कोचिंग देने की कोशिश करेंगे, पर हम गरीब लोग क्या, जाओ बेटा काम करो, काम करो, पढ़ो, अपना जैसे करो वैसे करो, पर भाई पैसा हमको चाहिए, क्योंकि तुम यार पढ़ोगे लिखोगे कब तक, तब तक तो बोल हम लोग भूखे मर जाएंगे। हम लोगों का ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात हम लोग किसी चीज पे कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश। हम लोगों का मेन कारण ये भी है, एक कोशिश करना। हम लोग किसी भी चीज को, कोई भी अच्छा काम को करने की कोशिश नहीं करते जिसमें लगे हैं, मतलब भैया हम लोग सोचते भी नहीं है कि हमको बड़ा आदमी बनना है, हम लोग सिर्फ ये सोचते बेटा गरीबी में जन्म लिए तो गरीबी में मरना है, गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। दोस्त याद रखना, दुनिया में सब अमीर पैदा नहीं हुआ था, याद रखना। बिल गेट भी अगर आज है, मार्क जुकरबर्ग आज है, टेस्ला आज है, याद रखना, एमएस धोनी, विराट कोहली, ये क्या अमीर घर पैदा हुआ था भाई? नहीं, आप लोग तो देखेंगे एमएस धोनी मूवी, तो ना गरीब घर से रहता है भाई, पर वो कोशिश करता है, नहीं इसको करेंगे करेंगे, चलो भाई करते रहा, कोशिश करते रहा कि मेरे को खेलना है, मेहनत इसी पे करना है। हम लोग एक चीज पर फोकस नहीं करते हैं ना। हम लोगों का मेन कारण क्या है, एगो काम ये भी देख लिए, दूसरा काम ये भी देख लिए, तीसरा काम ये भी देख लिए, सोच रहे इससे 200 आ जाएगा, उससे 200 आ जाएगा, इससे 200 आ जाएगा, तीनों मिला देंगे तो 600 आ जाएगा, आज का काम खत्म, बहुत अच्छा हो जाएगा, अब 600 रुपया हम कमाए नहीं, 700 उड़ा दी। ये हम लोगों का दूसरा पहचान है भैया, और ये हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितना कमाते नहीं उतना उड़ा देते हैं, और है ना, जितना कमाते नहीं उतना उड़ा देते हैं, उससे ज्यादा हम लोग दिखावा कर लेते हैं, उसके बाद कर्जा में डूब जाते हैं। पर याद रखना अमीर आदमी ऐसा नहीं करता है, पर हम लोग गरीब तो हाँ, आज 400 कमा के भाई, तेरा 400 कमा के आया है, आज तो पार्टी ही पार्टी, पर डे मुर्गा खाएंगे, मछली खाएंगे, पर डे लागल है, यही हाल। 10,000 नहीं हुआ, 20,000 किसी तरह से कमा के आ गए, तो चल भाई हमको टू व्हीलर एगो खरीदना है,
पर उस पैसे को बचा के नहीं रख, उस पैसे को बचा के नहीं रखना है, मतलब किसी अच्छी चीजों में कोशिश नहीं करना है। तीसरा पॉइंट याद रखना मेरे दोस्त, इन्वेस्ट। हाँ इन्वेस्ट, बड़े लोगों का सबसे खास बात कुछ होता है तो वो होता है इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट कर। पर हम गरीब क्या करते हैं, 200 कमाए ना तो 300 उड़ा दिए, अभी जो बोले ना 200 उड़ाए 300 उड़ा दिए, कर्जा में चल रहे, कर्जा में चल रहे। पर बड़े लोग अगर 1000 रुपया कमाता है ना भाई, तो उसमें से 100 से 150 रुपया निकाल लेता है, बाद बाकी सारा जमा कर लेता है। और जमा हम गरीबों का और एक ये भी स्टाइल होता है, 1000 कमाए ना बैंक में रख दिए। भैया बैंक में रख दोगे ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बैंक में रख, बैंक में जब हम लोग रख देंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, कुछ नहीं मिलता है भाई। 1000 2000 रखोगे, 1000 का 6% निकालो, क्या टका निकलेगा, वो भी जरूरी नहीं। सेविंग अकाउंट रहेगा तो 6% तो देगा भी नहीं, अरे 1000 2000 3000 में क्या हो, उससे बढ़िया आप क्या करो। अगर जो कमा रहे हो थोड़ा मोड़ा और बनाओ और उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो। पर हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नाम का कोई चीज होता ही नहीं, हम लोगों को डर लगने लगता है, अरे आज ये बिजनेस पर करेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले ही सोचना शुरू, नेगेटिव थॉट दिखिए हम लोगों का, हम गरीब लोगों में, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा छोड़ो, इसको उड़ा फुड़ा दो, मुर्गा ले आओ, मछली ले आओ, अरे ये पार्टी कर लो, हाँ अरे भाई वो पार्टी कर लो, आज चलो यहाँ घूमने चले जाते हैं, मूवी करने चले जाते हैं, यही सब हम लोगों का प्रॉब्लम है। पर हम लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर मैं 1000 रुपया आज कमाया या फिर एक महीना में अपन 30000 रुपए कमाया, क्या जिंदगी भर हम मेहनत, जिंदगी भर क्या लोगों की गुलामी करते रहेंगे, ये हम लोग नहीं सोच पाते, क्या गुलामी करते रहेंगे 30000 रुपए, क्यों ना हम उस रुपए को बचा कर किसी दूसरे चीजों में इन्वेस्ट करें जिससे वहां से इनकम आना शुरू हो जाए। भाई इन्वेस्ट करना हम गरीबों को नहीं आता, और हम कहते हम गरीब क्यों है, गरीबी का यही कारण हम लोग कुछ सोच नहीं पाते कि कहाँ इन्वेस्ट करना, कहाँ क्या करना। अरे अच्छे लोगों के साथ रहो पहले, जब अच्छे लोगों के साथ रहना सीख जाओगे ना तो उसके पास बढ़िया बढ़िया आइडिया होता है, समझिए बात को। अरे एक बात, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आइडिया कैसे लगाओगे, इसलिए पहले पढ़ाओ बच्चों, या अगर आप भाई पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अभी ये एजुकेशन है ना दोस्त, गरीबी को अमीरी तक पहुंचा देता है, याद रखो। तो अगर अमीर बनना है तो पढ़ाई करिए, इन्वेस्ट करिए, हर एक चीजों पे कोशिश करिए, और अपने ऊपर पेशेंस रखिए। ये तीन चीज आप करिए अपने जीवन में अगर सक्सेस पाना है, और नहीं पाना है तो गरीब ही रहिए भैया, हमको क्या है। मेरा काम था आपको सलाह देना, फॉलो करिए चाहे नहीं करिए आपकी मर्जी, पर जो बताएं दोस्त यही कारण है हम गरीब, हम लोगों को गरीब। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए, और इन सब चीजों से जितना हो सके दूरी बनाइए। देखिए धीरे धीरे सफलता मिलता है कि नहीं, और सफलता जब धीरे धीरे मिलेगा तो फिर अमीर तो बनना ही है ना भैया, क्यों गरीबी में जीना है दोस्त, गरीबी को जितना जल्दी हो सके हटा लो भैया। बोल रहे ना ये गरीबी कैंसर की तरह होती है दोस्त, ये इंसान को जी पे जी अंदर से खा जाती है, इसलिए इस गरीबी से जितना जल्दी हो सके दूरी बनाओ। और इसका हमने बोला ये तीन कारण है, आप जिस दिन ये तीनों चीज को करना शुरू कर दोगे ना, ये तीनों चीज को करना शुरू कर दोगे ना, आप सक्सेस, समझिए दोस्त। तो चलिए यहीं पे करते हैं खत्म, जय हिंद।